गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी हैव टू बिगिन टुडे द एक्सरसाइज 17D ऑफ द चैप्टर सर्कल, करेक्ट? ओके, सो नथिंग न्यू वी हैव टू लर्न फॉर दिस एक्सरसाइज. द थिंग्स व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार विल बी यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक और चीज दे दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. लेकिन इस पे कहीं कोई कोई हमारे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, तो हल्का फुल्का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. तो पैरामेट्रिक फॉर्म मीन्स, जैसे अगर हम एक कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ ए सर्कल जानते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. उसी तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि हम लोकस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. आप सर्कल को कैसे डिफाइन करोगे? यूजिंग द टर्म्स लोकस. आप कहोगे कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी ना, विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, करेक्ट? अगर किसी पॉइंट को कह दिया जाए कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कॉन्स्टेंट दूरी पे रहते हुए मूव करो, तो उस पॉइंट के मूवमेंट से जो पाथ मिलेगा, जो रास्ता मिलेगा, उस रास्ते को, उस पॉइंट का लोकस कहेंगे. लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस. तो उसी तरीके से जब हम किसी पॉइंट को कहेंगे कि तुम मूव करो एक सर्टेन डिस्टेंस पे किसी फिक्स्ड पॉइंट से रहते हुए, तो उस पॉइंट के मूवमेंट से जो रास्ता मिलेगा, उस रास्ते को उस पॉइंट का लोकस कहेंगे. तो अब यहां पे हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म थीटा ला दें, आप जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में ही आइए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर लीजिए. एक पॉइंट ले लीजिए आप और उस पॉइंट को बोलिए कि इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट ओ से ए डिस्टेंस पे रहे, तो विल यू बी एबल टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल. इसका एक्स कोऑर्डिनेट आप लोग मुझे बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते? थोड़ा सा हिंट देता हूं. आ जाओ, ये है, ये लेंथ, ये डिस्टेंस इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये डिस्टेंस. तो आप मुझे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करते हुए, इस लेंथ को इसके टर्म्स में क्या कहोगे? एक कॉस थीटा. जब मैंने कहा फिजिक्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूज करो, तब तुरंत आंसर आया, कोई बात नहीं. ये हो गया एक कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा. तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा एक अलग से पैरामीटर हो गया, थीटा एक अलग से वेरिएबल हो गया. एक्स वाई तो वेरिएबल्स थे ही, लेकिन इस एक्स एंड वाई आर डिपेंडिंग ऑन थीटा एंड ए, एम आई राइट? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी बोथ आर डिपेंडिंग ऑन दिस ए एंड थीटा. इसको हम कहेंगे ए कॉस थीटा और इसको कहेंगे ए साइन थीटा. इसके बाद अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर
ये डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओपी रहेगा ना। सो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओक्यू स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर। तो ओक्यू है ए कॉस थीटा और पीक्यू है ए साइन थीटा। जब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ओ बी स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर क्या प्रूफ हो रहा है हम लोग को। अच्छा, इससे सतर्क का एक क्वेश्चन, अगर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखते हैं और y इक्वल्स टू ए साइन थीटा लिखते हैं, ठीक, तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे, ध्यान सुनिए, इसका और इसको, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इधर हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिलेगा ना। ए कॉस थीटा एक्स है, ए साइन थीटा वाई है, तो इधर हो गया ए स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वन, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, उन दोनों को यूज करके हम एक सर्कल का इक्वेशन ला सकते हैं। तो एक सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म, एक सर्कल के इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म होगा x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू a sin थीटा, जबकि उस सर्कल का सेंटर 0,0 होगा तब। अगर सर्कल का सेंटर 0,0 के बजाय h का k हो गया, ध्यान सुनिएगा, सर्कल का सेंटर h का k हो गया, तो उस केस में पैरामेट्रिक फॉर्म होगा x माइनस h इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू h प्लस a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू k प्लस a sin थीटा। ये आप दो चीजें नोट कर सकते हैं, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म वेयर थीटा इज द वेरिएबल। व्हेन थीटा वेरीज देन वी विल गेट, अगर थीटा वेरी करेगा देन बाय द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट पी वी विल गेट द लोकस ऑफ द पॉइंट पी व्हेन थीटा वेरीज और सर्कल। लोकस ऑफ द पॉइंट पी विल बी अ सर्कल व्हेन थीटा वेरीज, ठीक। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और अगर सर्कल का सेंटर 0,0 के बजाय h का मान भी है तो उस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होगा x इक्वल टू h प्लस a cos थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस a sin थीटा। कुछ भी नया नहीं है हमारे इस 17D में। शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से। इन दिस एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सारे क्वेश्चंस जो है पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हैं जो अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या है पहला वाला 7th क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन। फिर से पढ़ता हूं, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल Find the locus of the middle points of the chords of the circle drawn through the origin.
तो जब हमारे जितने भी कार्ड्स हैं वो कार्ड्स कहां से ड्रा किए गए, लिखा है साफ साफ ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन, ऐसा बोला है ना, तो वो उनको आप सेकंड भी बोल सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, जस्ट लुक एट, जितने भी कार्ड्स खींचने हैं वो कार्ड्स नहीं एक्चुअली सेकंड होंगे, लेकिन सर्कल का अंदर का हिस्सा को कार्ड ही बोले। तो इतने सारे जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन बी कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट, ये तो हम क्लास फोर से जानते हैं, थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो ये सभी लाइंस का ये हिस्सा कार्ड होगा, है ये केवल ये। तो अब क्या करना है, ये जितने भी कार्ड्स हैं इन सभी कार्ड्स के मिड पॉइंट्स का कलेक्शन, इन सभी कार्ड्स के मिड पॉइंट्स का कलेक्शन से हमको जो मिलेगा उस चीज को पहचानना है और उसका इक्वेशन लाके दिखाना है। तो अब इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बस एक सर्कल ड्रा करके बस एक कॉर्ड लूंगा और यहां पे 0.0 मुझे लिखना ही है। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि 0.0 से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन y=mx होता है, बता चुका हूं, पता है ओके। तो इस सर्कल का इक्वेशन पहले हम लोग लिख लिया जाए, क्या है, x² + y² = 4 × y + 1। ये सर्कल का इक्वेशन तो होगा, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कार्ड ऑफ द सर्कल ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन, दिस इज सर्कल। अब इसको जरा सर्कल के प्रॉपर फॉर्म में तो बदल ले जिससे हमको सेंटर और वो सब दिख जाए। x² + y² - 4y - 4 = 0। एक कार्ड खींच लीजिए, नाम दे दीजिए, तो सेंटर मुझे बता दीजिए जल्दी से, क्या कहेंगे, रेडियस भी बता दीजिए, √2। ओके, अब हर एक कंडीशन में ओरिजिन से कार्ड्स जाएंगे और उन कार्ड्स के मिड पॉइंट्स का लोकस बताना है। तो मैंने सारे कार्ड्स नहीं ड्रा किए, बस एक कार्ड ड्रा किया। तो जितने भी कार्ड्स ड्रा करोगे सबके मिड पॉइंट को अगर सेंटर से जोड़ोगे तो आपको पता है कि क्या होगा। जैसे ही किसी कार्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ते हो तो थ्योरम क्लास 10th का थ्योरम लग जाता है, क्लास 9th का थ्योरम लग जाता है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड इज क्या बोल रहे हैं, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हेलो निमिषा, मंजुला, किसी कार्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन उस कार्ड पे परपेंडिकुलर होती है, बाइसेक्ट कहां से, बाइसेक्शन तो फॉलो ही हो रहा है, मिड पॉइंट को जोड़ दिया तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो हर एक कंडीशन में मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। अब रह गई ये बात, इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हर एक केस में बनेगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लूं मैं, 0.2, ठीक, ये 0.0, ये रफ डायग्राम है।
यहां से ये गया, अब लोकस हमको चाहिए, रेडियस मेंशन कर लेंगे। अच्छा रेडियस तो 0.0, 0.2 कहा जाएगा हमको लगता है कि ओके कहीं भी हो सकता है। ये डिस्टेंस तो 2 यूनिट हो गई क्या? जीरो कामा जीरो और 0.2 तो 2 यूनिट हो गई। अब हमको क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द कर्व, एम की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद लोकस से ही ना, यहां लोकस क्या आ रहा है मैं जरा देख लो, x² + y² - 2y। इसका नाम रख दे रहा हूं p, इसका नाम रख दे रहा हूं q। तो ये रख दिया गया y = mx। तो OQ² यही आएगा, OQ² = PQ² + OP² OQ² हो गया 2² PQ क्या हो जाएगा, लेकिन y = mx दिक्कत कर रहा है। PQ क्या है, यहां से परपेंडिकुलर की लेंथ ना, तो 0 x की जगह पे 2 रखना है, इसमें आ गया y - mx ना, तो x के जगह पे रखना है 0 और y की जगह पे 2, 2 - 0/√1 + m² प्लस OP² ओपी कितना, ओपी पता है, 1 मिनट रहने दीजिए, इससे तो दिक्कत हो रहा है, इससे बढ़िया हम लोग दूसरा कंडीशन लगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स लगा लेंगे। ये है 0.0, ये है A, ये है B, ये है सेंटर, सेंटर क्या था, ठीक। तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट फाइंड करना था, तो लोकस जब फाइंड करना होगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को भी नोट करना पड़ेगा, h, k ले ले, अब हो जाएगा। ठीक, h, k नहीं लिए थे वही प्रॉब्लम थी। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया P, ये हो गया Q। OQ² = OP² + PQ² OQ को हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखते हैं, OP को क्या लिखेंगे, h² + k² लिखेंगे, PQ को क्या लिखेंगे, h² + k - 2² हो गया। लोकस ऑफ द पॉइंट P हमको चाहिए था, तो P को h, k मान लिए और अब करते हैं, सो 4 = h² + k² + h² + k² + 4 - 4k। फोर कैंसिल, h² + h² 2h² + 2k²
h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स टू 0। और आपको पता है कि लोकस लाते समय h कामा k को वापस क्या रख देते हैं, x कामा y ना, तो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्लियर? थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि लोकस ऑफ द पॉइंट पूछा है, मुझे लगा कि बस इक्वेशन ऑफ सर्कल वगैरह कुछ पूछा है तो पाइथागोरस में लगाने लगा। तो पाइथागोरस ही लगेगा, पाइथागोरस ही लगेगा, बस इस पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट मैं भूल गया था क्योंकि इसी का लोकस चाहिए। तो मैं पाइथागोरस को लगा रहा था लेकिन विदाउट इन्वॉल्विंग द पॉइंट पी, सो वी नीड टू इन्वॉल्व द पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एच का मान के, फिर उसके बाद एच का मान के की जगह पे वापस एक्स का मान वाई रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व of the circle x square plus y square equals to 15 which is bisected at the point 3, 2। midpoint of the chord is 3, 2। क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। किसी लाइन का इक्वेशन के लिए दो बातें हम लोग अक्सर पूछते हैं, किस पॉइंट से पास करेगा और उसका स्लोप क्या है, करेक्ट? तो कॉर्ड का मिड पॉइंट 3, 2 है, तो x1 का मान y1 पता चल गया। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0, 0। रेडियस अंडर रूट 15। ऑन कंपेयरिंग दिस विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर वेयर a इज रेडियस, so we get center 0, 0 and radius is square root 15. Coordinates of the midpoint of the chord is 3, 2। हमको इस कार्ड का इक्वेशन चाहिए ना, तो इसको ले दीजिए O, इसको A, इसको B, इसको P। स्लोप ऑफ OP 2 - 0 / 3 - 0 2/3। स्लोप ऑफ AB परपेंडिकुलर टू OP -3/2। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थ्रू पी वाई माइनस 2 इक्वल्स टू -3/2 एक्स माइनस 3, 2y - 4 इक्वल्स टू -3x + 9, सो 3x + 2y - 13 इक्वल्स टू 0।
सेकेंड पार्ट फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कार्ड्स दैट पास थ्रू 3, 4। अभी पिछला क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कार्ड्स टू द गिवन सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां पे हमारा सारे कार्ड्स किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, 3, 4 से। चलिए शुरू करते हैं। एकदम वही कांसेप्ट, थ्री कामा फोर, लेट द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड बी एच कामा के, लेट टी बी द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड विद द कोऑर्डिनेट्स एच कामा के, और सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, इक्वल्स टू, ये भी वही है। हाँ ठीक, तो सेंटर, रेडियस, ए बी सी डी, हर एक कंडीशन में राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही। तो चलिए लगाते हैं, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। चलिए सी डी पे चलते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर, 3 minus h whole square plus 4 minus k whole square plus pc square, h square plus k square, 25 equals to h square plus k square plus 25 minus 6 h minus 8 k plus h square plus k square, 25 cancel, so 2 h square plus 2 k square minus 6 h minus 8 k, दिख रहा है ना मेघा? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। दिस इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कार्ड्स पासिंग थ्रू 3, 4 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15। क्वेश्चन नंबर 5, मंजुला, ठीक है?